नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां घर में काम करने वाली नौकरानी ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रही थी। सीसीटीवी की मदद से फरियादी ने चोरनी को पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया। मामला चंदनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली परख जैन अपने घर से ही भुजलालय चलाती है, जिनके घर पर कुछ माह पूर्व घर में बच्चे का जन्म हुआ था। बढ़ते हुए काम को देखते हुए उन्होंने घर में एक नौकरानी रखी थी। अपने बेटे की जमा पूंजी के लिए उन्होंने घर में एक गुल्लक रखी थी, जिसमें समय समय पर रुपए डालते रहते थे। कल जब अचानक उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने जब रुपए निकालने की कोशिश की तो उसमें कुछ नहीं मिला। जब सीसीटीवी खंगाले तो नौकरानी की गतिविधि संदिग्ध नजर आई। वहीं कैमरे में वो गुल्लक खंगालते हुए दिखी। फरियादी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। हालांकि गुल्लक में कितने रुपए चुरा चुकी थी इसका अंदाजा नहीं है। फिलहाल फरियादी ने नौकरानी को पुलिस के सुपुर्द किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नौकरानी से पूछताछ करना शुरू कर दी है। नमस्कार, थाना चंदन नगर के गुमास्ता नगर में एक परख जैन करके हैं, जो कि घर पर भोजनालय चलाती है उनकी मम्मी। उनके हाल ही अभी 2-3 महीने पहले एक बेटे का जन्म हुआ, जिसके कारण जो पारिवारिक जो समस्याओं के कारण एक नौकरानी को रखा था उन्होंने, पिंकी राठौर को रखा था। अपने बेटे के जो लिए जमा पूंजी के लिए उनने गुल्लक खरीद रखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बचत के हिसाब से पैसे डालते रहते थे। कल उनकी कोई समस्या के कारण उन्होंने जब गुल्लक देखी तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था। इसके लिए उन्होंने घर पर ही एक हिडन कैमरा लगाया और वापस से उसकी जो नौकरानी है उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी। तभी कैमरे में नज़र आया सडनली कि वो वही जो नौकरानी घर पे काम कर रही, वही उसी गुल्लक को वापस से पुनः टटोल रही है, उसमें जो पैसा निकालते हुए दिख रही थी। उक्त वीडियो देखने के बाद और तमाम जांच करने के उपरांत नौकरानी पर जो 381 की कायम की गई है, मशरूका कितना गया इसके संबंध में फरियादी ने खुद ने भी नहीं बताया है, उसने बाद में जाँच उपरांत बताने को बताया। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।